जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब मेंबर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ मी गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। यकीनन आप लोगों को या तो आपके स्पॉन्सर ने लिंक शेयर किया होगा या मैंने लिंक शेयर किया होगा, ठीक है, इस वीडियो का, या फिर आप एज अ न्यू ज्वाइनर जो हमारा ट्रेनिंग बैच होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये लिंक शेयर किया गया होगा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ अगर ओरिफ्लेम का, ओरिफ्लेम के अंदर आप एज अ मार्केटर काम कर रहे हो, ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, या आपने सिंपल अल्फाज में मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग से मुराद ये है कि आपको ऐसे अपनी टीम में भी लोग चाहिए होंगे जो एक्सपर्ट बने यहाँ पे आके, फ्री में उनको स्किल सिखाई जाएंगी, लेकिन दे डेफिनेटली वुड बी इंटरेस्टेड, ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड हों, जो कि दिलचस्पी रखते हों आपके इस बिज़नेस में, तो वो लोग आपने हायर करने होते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले आपको खुद एज अ मार्केटर अपनी एक जगह बनानी होती है सोसाइटी में, सर्कल में, ताकि आप वहाँ पे स्टैंड कर सको। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बात करें, करंटली डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदा बात कर रहा होता है ना यार सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, लोग घर बैठे लाखों का बिजनेस रन करके अपनी लाइफ को चेंज करें, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है ना, तो ये सब सच है, ये ऐसा ही है। देखिए आज से अगर मैं अपना भी कंपैरिजन करूँ ना, देखिए आप स्टूडेंट हैं, आप फीमेल हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर रहती हैं, बेशक जो भी है ना, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपको इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ना, आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी पड़ रही है, ऐसा ही है ना। और आप जितने भी लोग आए हो, डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हो कि यार इसको मैं सीखूं, शायद यहाँ पे मेरा कोई करियर बिल्ड हो सके, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना बिल्ड किया। अगर मैं अपनी भी बात करूँ एज अ स्टूडेंट, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अक्सर ये बात रिग्रेट करती हूँ कि काश मुझे ये जो मार्केटिंग है या जो ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये 4-5 साल पहले पता चल गया होता। बिकॉज देखिए हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है, वो फ्री भी होता है, वो टाइम भी मैनेज करके निकालता है। इवन के अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती होती थी, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे उस टाइम पे पता चल जाता तो आज अगर मेरी स्किल्स इतनी मज़बूत होती या इतनी स्ट्रांग होती कि यहाँ पे मैं पता नहीं, मतलब मेरी एक अलग एक लेवल होता मेरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, जब भी आयो तब भी आप काम कर लो, अगर इंटरेस्ट लेके सीख के तो आप तब भी कामयाब हो सकते हो। मैंने भी यही किया, यकीन करें आप अगर स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, आप कोई भी हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्किल्स नहीं ना सीख रहे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने MPhil मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है रिसेंटली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा ख्वाब था कि मैं PhD तक जाऊँ। मैंने BEd किया साथ साथ, मैंने मैं ट्यूशन करती होती थी, ठीक है, इसके अलावा मैंने टीचिंग भी की है। देयर वर सो मैनी चीज़ें जो मैं साथ साथ कर रही थी, मुझे था कि मैं एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकूं और मैं जो हूँ अपना एक एक्सपीरियंस भी जनरेट कर लूँ। बट ट्रस्ट मी, उस फील्ड ने मुझे ऐसा बेनिफिट नहीं दिया जो मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग ने दिया, क्योंकि अब आने वाला दौर जो है वो टोटली शिफ्ट हो रहा है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं ना, आप कभी मार नहीं खाते हो, ठीक है। एक टीचर है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने MPhil मैथमेटिक्स किया, आई नो के मैथमेटिक्स की स्किल्स हैं मेरे पास, कंप्यूटर साइंस की स्किल्स हैं मेरे पास, इंग्लिश की स्किल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं किसी भी कहीं पे जाके पढ़ा सकती हूँ, शाम को होम ट्यूशन कर सकती हूँ। बट उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एफर्ट ज़्यादा लग रही होगी, पैसा कम आ रहा होगा, और ट्रस्ट मी मैं उसमें खुश नहीं होंगी। मेंटली फिजिकली मेरी जितनी इनपुट लग रही होगी ना, उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। तो अगर आप लोग आए हैं और आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लर्न करो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग लोग कैसे कर रहे हैं, यकीन करें थोड़े दिन पहले की बात है, एक लोकल शॉप है हमारी सिटी में, हम लोग वहाँ पे जाते होते शुरू से, जब से छोटे होते थे तो हम लोग अपनी मदर के साथ वहाँ पे जाते होते थे, तो मतलब मैं उन अंकल को जानती थी, अंकल ने मुझे अपना कार्ड दिया। अच्छा मैंने ना वो बैग में रख लिया, अब उनको क्या पता मैं मार्केटिंग करती, मैंने आते ही सर्च किया एक छोटी सी शॉप है, वो अंकल ने एक वेबसाइट बनवा के हल्की फुल्की वो कार्ड के ऊपर वो मेंशन की हुई, अपना बिजनेस व्हाट्सएप मेंशन किया हुआ, अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक मेंशन किया हुआ, और छोटा छोटा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि देखिए उनको पता है ये दुकान एक दिन बंद हो जानी है। यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा कि यार लोग अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग दुनिया के साथ साथ, यानी जैसे आगे दुनिया बढ़ रही है ना उसके साथ, देखिए अगर आप दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते लेकिन कोशिश करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम किसी के बराबर हो जाएंगे, या हम यहाँ पे ल्यू विटॉन है या फिर गुची है या बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जिन्होंने अब अपनी एक नाम बना लिया, एक जगह बना लिया, लेकिन यार उन्होंने भी स्टार्ट लिया था कहीं से, ज़ीरो से,
तो अगर हम भी लें, वो एक जो शॉप वाला है जो कि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने भी किसी को कह के अपनी वेबसाइट बनवा ली है। एक और मज़े की बात बताऊँ, हमारा बहुत छोटा सा सिटी है, यहाँ पे ना ड्राइविंग स्कूल, मैंने ड्राइविंग सीखनी थी, मैंने वैसे ही सिटी का नाम लिखे ड्राइविंग स्कूल लिखा, वहाँ पे उस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। मैंने कहा क्या ये बंदा इस तरीके से, मतलब देखिए वो पढ़ा, जब मैंने, यकीन करें मैं उससे मिली भी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं उससे मिली तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नहीं नहीं मैंने तो इतने सालों से ये डाला हुआ, यहाँ से मुझे तो कस्टमर आते हैं। आई वॉज शॉक्ड, गूगल पे उस बंदे ने अपने यानी कि जो ड्राइविंग वो सिखाता है उसकी डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग्स, हर चीज़ उसने वहाँ पे अपलोड की थी और लोग वहाँ से उसको रीच कर रहे थे और वो अच्छी खासी ड्राइविंग सिखा रहा था, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि हर बंदा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिटी की तरफ क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि आने वाला दौर इसी तरफ आ रहा है। जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था लोग कहते थे 3-4 साल में ना ये ऐसे हो जाना है, और आज मैं स्टेज पे हूँ कि मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में मैक्सिमम 80%, पहले होता ना 50% कम्युनिटी, 80-90% कम्युनिटी हमारी डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो जानी है। आपको जूतों से लेके, खाने वाली चीज़ों से लेके, किचन की क्रॉकरी से लेके, ड्रेसेस से लेके, आप मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी अपना खाना पीना काम कुछ भी कर रहे हो ना, सब कुछ आपको दराज पे, गूगल पे, ऑनलाइन मार्केटिंग आपको हर जगह मिल रहा है, आप घर मंगवा सकते हो बैठे बैठे। अगर वो लोग यहाँ पे इस तरह मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं, नाम बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आज की वीडियो मैं ज़्यादा प्रोलोंग नहीं करूँगी, आप कहेंगे मैम बहुत बोलती हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो कि बतानी चाहिए ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखो और आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो और आपको लगे कि हाँ आप कुछ सीखने के लिए आए हो। और इस वीडियो के अंदर आज हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करना मेरे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट शुरू के 5-6 मिनट में पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मेहनती हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में नए टूल्स जितने भी हैं उनको सीख के आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आपके पास टाइम है और आप अपनी मेहनत से और अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं और आपको कोई मौका दे या आपको कोई सिखाने वाला हो, तो ये आपके लिए वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इसके अलावा ये कि सब्सक्राइब कर दिया करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए जब भी कोई न्यू वीडियो आए, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने सुना ना कि हर चीज़ आपके जूतों से लेके कपड़ों तक, खाने से लेके पीने तक, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो लोग अब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो कि ऑनलाइन क्या करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी यहाँ पे मोस्टली मेरी ये वीडियो जो लोग वॉच कर रहे होते हैं ना वो पाकिस्तानी है, 80% कम्युनिटी पाकिस्तानी है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अगर मैं नाम लूँ, सबसे पहले आ जाता है मरियम परवेज़। जब उसने स्टार्ट लिया था कुछ भी नहीं था, यकीन करें वो छोटी छोटी चीज़ें डालती गई, उसने अपनी डेली लाइफ हर चीज़ उसने पोस्टिंग करते, आज वो जो जब मैंने काम शुरू किया था, मैम रिजवाना आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने कहा था उन्होंने फ्री में मरियम परवेज़ को भेज के ना अपनी पीआर वो करवा लिया था शुगर स्क्रब की, वो आज वो सिंपल पोस्ट को अपनी स्टोरी लगाने के लिए या हमारी छोटी छोटी चीज़ों को वो वहाँ पे प्रमोट करने के लिए 50,000-1,00,000 रुपये से कम पैसे नहीं ले रही। इसी तरह वो लाखों रुपए में डेली बेसिस पे वीडियोस लगा रही होती है लोगों की, लोग उसको भेज रही है ना कंटेंट की यार हमारी प्रमोट कर दो। जैसे मैं मरियम साबिर हूँ, मैं मरियम नूर ऑफिशियल लिख के या अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड डाल के 4-5 प्रोडक्ट्स उसको भेजती हूँ कि आप ट्राई करो और मुझे भेजो, रिव्यू भेजो, अपनी स्टोरी लगाओ। तो यकीन करें वो 60,000-70,000-80,000-1,00,000 रुपये से कम चार्ज नहीं करेगी क्योंकि इस वक्त उसके पास ऑडियंस है। तो सोशल मीडिया की जो पावर है ना वो ये है कि आपको ऑडियंस जनरेट करनी होती है। अब देखें जो टॉप मोस्ट हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो ये हैं। सबसे पहले फेसबुक है, आपको थोड़ा सा बल्कि फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टिकटॉक। सबसे पहले अगर हम फेसबुक की बात कर लें, इस वक्त फेसबुक के ऊपर 294,000 ऐसे सिंपली बोल दें, ठीक है, इतनी कम्युनिटी फेसबुक पे आ चुकी है। और ये मैंने थोड़े दिन पहले की बनाई हुई है तो आप सोच लेंगे दिन ब दिन ये चेंज हो रही हैं एल्गोरिदम्स या मैकेनिज्म। अच्छा, फेसबुक पे काम करना बहुत आसान है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और यकीन करें आप इजीली लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास इतनी दुनिया होती है वहाँ पे, लाखों करोड़ों लोग फेसबुक, जो बंदा पढ़ा लिखा है अनपढ़ है ना लेकिन उसके पास इंटरनेट भी अवेलेबल है ना, तो उसके मोबाइल में कुछ भी ना हो फेसबुक ज़रूर है, ठीक है। और यकीन करें इसके ऊपर इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है ना और इतनी इफ़ेक्टिव होती है ना कि आप
सिंपली गूगल पे लिखें या यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू वर्क ऑन फेसबुक, आपको बेतहाशा वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज आप लोगों से ना मेरा यही टास्क होगा वीडियो के बाद कि आपने डेली बेसिस पे, जैसे अभी आप न्यू आए हो, एक दिन आपने फेसबुक की वीडियोज़ देख के फेसबुक का अकाउंट बनाना है और फेसबुक का पेज बनाना है, दूसरे दिन आपने यूट्यूब पे बनाना है, तीसरे दिन आपने इंस्टाग्राम पे बनाना है, और चौथे दिन आपने टिकटॉक पे बनाना है, ठीक है, फिर स्नैपचैट का बनाना है आपने। मतलब कि आपने अपने आप को, आप बेशक एक महीना लगा लें लेकिन आपने अपने आप को स्टेबल करना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाने अपने नाम से, या कोई भी अट्रैक्टिव सा यूज़र नेम रखना है। ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो कि जैसे ओरिफ्लेम ऑफिशियल्स, ओरिफ्लेम के साथ ही ओरिफ्लेम का वर्ड यूज़ नहीं करना आपने जब अपना अकाउंट जनरेट करना है, उसमें आप अपना नाम लिखें, वो आपकी पहचान बनेगा। ट्रस्ट मी, मैंने डरते डरते मैंने कहा मरियम साबिर लिखूंगी, सबको पता चल जाएगा, मरियम नूर ऑफिशियल लिख लिया, आज मरियम नूर के नाम से ही मुझे जानते हैं मोस्टली, 80% कम्युनिटी मुझे मरियम नूर ही बुलाती है, उनका पता नहीं है मेरा ओरिजिनल नेम मरियम साबिर है। सो जो आप स्टार्ट लोगे इंशाल्लाह कल आपका ब्रांड बन जाएगा। अच्छा, फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा मैं अपनी, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे यही है मेरी कुछ यू नो वेबसाइट्स जो मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक के ऊपर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, बहुत पुरानी है, ठीक है। अभी मैं पेज अपना ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला मेरा पेज है। अब आप देखें, जब मैंने बनाया था नूर ब्यूटी कंसल्टेंट ओरिफ्लेम, अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ओरिफ्लेम, जैसे मैंने आपको बताया, ये मिस्टेक नहीं करनी, मैंने भी उस वक्त ये मिस्टेक की थी कि मैंने ओरिफ्लेम का वर्ड यूज़ कर लिया था। लेकिन आइंदा आप जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने कोई भी अपना अकाउंट बनाना है सोशल मीडिया पर, आपने यूज़र नेम क्या रखना है, आपने यूज़र नेम अपने नाम से रखना है, या किसी भी चीज़ का आप यूज़र नेम रखिए, अच्छा सा प्रोडक्टिव सा अपनी यू नो लाइक काम के हवाले से, लेकिन उसमें अपना अपनी ओरिफ्लेम का वर्ड यूज़ नहीं करना। अब ये देखें, ये ना मेरा अकाउंट है, इसकी बायो पेज हर चीज़ मैंने सेट की हुई है, वो आपको पता है वीडियोज़ में दिखाया होता है कि आपने कैसे फेसबुक पेज बनाने, मेरी मेंबर्स ने भी कुछ ने बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब देखें, मैं जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती हूँ ना, वही मेरे फेसबुक पे अपलोड हो जाता है क्योंकि मैंने इसको अटैच किया हुआ है। इसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। ये देखें, जो जो मेरी उधर वाली चीज़ें हैं वो फेसबुक वाली, वो इधर मेरे पेज पर आ, सॉरी इंस्टाग्राम वाली मेरे इधर इंस्टाग्राम से फेसबुक के पेज पर भी आ रही हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये ज्वाइनिंग ली थी तकरीबन, मैंने तब ये अपना जो है वो स्टार्ट किया था और मैंने ये बनाया था। अब आप ये देखें कि इसके ऊपर आप जब कोई भी पोस्ट करोगे वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, और साथ साथ आपने अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज़ करने होते हैं। आप यकीन करें, किसी भी चीज़ के हैशटैग्स चाहिए ना, आपको गूगल पे लिखें फलां चीज़, या उसके साथ लिख दें फेसबुक, अगर फेसबुक पे पोस्ट करने लगे हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम साथ में लिख दें, ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम, ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऑन फेसबुक, ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऑन टिकटॉक, या वायरल हैशटैग्स, ठीक है, यकीन करें आपको गूगल पे मिल जाएंगे। कॉपी करें, उनमें से जो रेलिवेंट है उनको लिख के, ज़्यादा नहीं करना। देखिए, अगर आप ऐसे हैशटैग्स यूज़ कर लेते हैं जो कि रेलिवेंट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने रेलिवेंट हैशटैग्स यूज़ करने। अच्छा, मैं ये फेसबुक की बात कर रही हूँ, इसके अलावा बस मैं यही कहूँगी कि फेसबुक पे अभी मेरा पेज ओपन हुआ है ना, फेसबुक पे अगर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वो यूज़ कर लेते हो ना, प्लेटफॉर्म्स को अगर फॉलो कर लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को, वहाँ पे जाके अगर आप पोस्ट करते हो ना, तो बड़ा अच्छा जाता है। खैर, इस पे वीडियो बनी हुई है, इस पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, फेसबुक पे बकायदा वीडियो बनी हुई है, मेरी भी बनी हुई है, मेरी मेंबर्स की भी, कि कैसे काम करते हैं, आपने वो वीडियो देख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे मैंने भी अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं होती थी, मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर सकूँ और मेरे मोबाइल की गैलरी से मैं डिलीट करती जाऊँ, मैं काम सिखाती होती थी मेंबर्स को। अभी हम अपना खोल ही लेते हैं, ये देखिए ये मेरा यूट्यूब पे, यूट्यूब योर वीडियोज़, ये देखें। अब ये रिसेंटली मैंने दो दिन पहले जो हमारी सितंबर की कैटलॉग आई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लर्निंग के हवाले से मैंने हर चीज़ पोस्ट की हुई है। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जो भी आप लर्न करना चाहो ओरिफ्लेम के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ओरिफ्लेम में, सेल्स एक्शन कब मिलता है, कितने में मिलता है ओरिफ्लेम में, आपने स्टार्ट कैसे करना है काम, सेलिंग कैसे सीखनी है, छोटी छोटी चीज़ें मैं हर चीज़ यहाँ पे सिखाती जाती हूँ, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, आप दोबारा इसको सर्च करके आप इसको वो भी कर सकते हो, विजिट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो मरियम नूर ऑफिशियल के नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लेना है, ठीक है, जो भी अगर आप काम करना चाहो। बट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, उसके बाद स्नैपचैट, उसके बाद यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे अभी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके पास यू नो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यह कि यूट्यूब पे इतनी कम्युनिटी है ना, बच्चे से लेके बड़े तक यूट्यूब पे लोग बैठे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें। इट्स 2023, इट्स हाई टाइम कि हम लोग यूट्यूब को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें और हम लोग मार्केटिंग करें।
आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना कंटेंट शेयर करोगे, आप अपनी सर्विसेज को वहाँ पे लिख के शेयर कर सकते हो, आप जो भी चीज़ प्रमोट कर रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, यूट्यूब आपको प्रॉपर एक आज़ादी देता है, और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ओरिफ्लेम में काम कर रही हूँ, मेरे पास ओरिफ्लेम का शुगर स्क्रब घर में पड़ा है, मैं उठाऊंगी उस पर अच्छी सी 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, रिव्यू दूंगी, पर्सनल ब्रांडिंग होगी, मैंने इसको यूज़ किया, साथ ही रिव्यू दे दिया, साथ में मार्केटिंग कर दी, कस्टमर्स भी मिल जाएंगे, लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, कल हो सकता है अगर मेरा चैनल अच्छा चल पड़ता है तो मुझे हो सकता है वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मतलब कि अगर आप डिजिटल टूल्स को जितने ज़्यादा को सीखोगे, जितने ज़्यादा पे काम करोगे, कोई एक टूल भी आपकी फेवर में काम कर गया, आप लाखों अर्न कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो आप वीडियो डालें, लिखें कोई भी चीज़, आपको यहाँ पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमने सर्च करना हो यूट्यूब पे हाउ टू वर्क ऑन टिकटॉक, ठीक है, अब आप देखिएगा YouTube इतना बड़ा उस्ताद है ना कि इस पर लाखों लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, हाउ टू वर्क ऑन टिकटॉक, हाउ टू वर्क ऑन टिकटॉक, हाउ टू वर्क ऑन टिकटॉक, या फिर आप कह लेंगे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑन Instagram। YouTube से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देख ले बेतहाशा लोगों ने वीडियोज़ बना बना के अपलोड की हुई, बेतहाशा यार, आपके पास एक दिन में 2 घंटे भी नहीं है कि आप कोई 2 वीडियोस पूरी देख लो, बस 2 वीडियोस 3 वीडियोस आपको मेन मेन चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहले प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, उसके बाद आपने सीख लेना है। यहाँ पे लिखिए हाउ टू गेट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक योर कॉन्टेंट वायरल ऑन टिकटॉक। ट्रस्ट मी, जो भी आपको चाहिए ना ये देख लें, वीडियोज़ बनी हुई हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं, आपने सीखना है और आप काम करने वाले होने चाहिए फ्री में। आप जैसे हम कहते हैं ना यार फ्री में, उसका मतलब ये होता है कि आपने सीखना है काम को, तो टाइम निकाल के ये देखें। तो यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, यूट्यूब पर आप बहुत अच्छी स्किल्स अपनी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन टूल जो कि है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप देख लें 2 बिलियन से ज़्यादा कम्युनिटी बैठी है, 2 बिलियन से भी ज़्यादा, 3 बिलियन से ज़्यादा कम्युनिटी बैठी है व्हाट्सएप। अगर आपने ओरिफ्लेम में काम करना है, पहले आज ही आपने बैठ के अपना, देखिए हम सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं मेंबर्स, मैम हमारी फैमिली देखेगी, हमारी फ्रेंड्स देखती हैं, कोई खुश नहीं होता, कोई हमें लोग बातें करेंगे, सॉरी मैम मैंने तो नहीं स्टेटस लगाना, स्टेटस ही नहीं लगाती व्हाट्सएप पे। और यकीन करें आपकी 99.999 कम्युनिटी व्हाट्सएप पे बैठी है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी काम नहीं करते तो सॉरी, अगर आप फिर आप ये छोड़ दो, फिर ना हमारा टाइम वेस्ट करो ना अपना टाइम वेस्ट करो। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज नहीं कर सकते तो अपने रिश्तेदारों को करो हाइड और उस पर काम शुरू कर दो। लेकिन अगर आप नंबर चेंज करना कर सकते हो, कोई बात नहीं, 10-15 दिन लगाओ यार, जाके मोबाइल सिम खरीदो और उसको उसके ऊपर बिजनेस व्हाट्सएप बनाओ। बिजनेस व्हाट्सएप के क्या क्या फ़ायदे हैं, बिजनेस व्हाट्सएप आपको ये देखिए, आप लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जनरेट कर सकती हैं, व्हाट्सएप के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकती हैं व्हाट्सएप पे, आप स्टेटस लगा सकती हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, आप डिफरेंट तरीके से इंगेजमेंट्स कर सकती हैं जो कि बहुत पावरफुल इम्पैक्ट देती हैं, और बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पूरी टीम को यहाँ पे इकट्ठा करके काम कर सकती हैं। अच्छा मैं अपनी व्हाट्सएप ओपन करती हूँ, मैं यहाँ पे एक मिनट, अच्छा अभी चलते हैं एक मिनट, यहाँ पे किसका होगा ये वाला, मेरा नंबर ऑफिशियल नहीं है, किसका होगा एक मिनट देखूँ, हीरा का होगा आई थिंक, बिजनेस व्हाट्सएप, सॉरी हीरा, यस ये देखो इन्होंने बिजनेस व्हाट्सएप बनाई हुई, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए इस बिजनेस व्हाट्सएप का क्या, यकीन करें मैंने, मेरे पास जब मैम हीरा मुझे रब्ता करेंगी ना, या मैं इनको रब्ता करूँगी एज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि मैंने ज्वाइन करना है ओरिफ्लेम को या मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, अब आप ये देखें कि इनकी प्रोफाइल पर ही पता चल गया है ये कैश अवार्ड लिए खड़ी है, इन्होंने साथ में देखिए कितना अच्छा कलाज लगाया, मेरी पिक्चर भी है, आई रियली लव हर, शी इज़ सो गुड, और बहुत अच्छा काम करती हैं। विद इन 1 ईयर एज अ गोल्ड डायरेक्टर, माशाल्लाह इनका गोल्ड डायरेक्टर टाइटल ओपन हो चुका है, ठीक है, तो मेरी बहुत अच्छी मेंबर हैं और यकीन करें बहुत स्ट्रगल करती हैं। अब ये देखेंगे इन्होंने इन्होंने स्टेटसेस भी लगाए होंगे, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, तो ये देखें काम कर रही हैं, शी इज़ वर्किंग एज अ गोल्ड डायरेक्टर, 6 डिजिट्स में अर्निंग कर रही है, लेकिन शी इज नॉट एट ऑल हेजिटेट टू शेयर हर कॉन्टेंट और हर डिटेल। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा।
तरह बिजनेस कर रहे हैं, यकीन करें दुनिया कर रही है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए माशाल्लाह, हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़। आप भी कर सकते हो। तो व्हाट्सएप आपका बहुत अच्छा टूल है अगर आप व्हाट्सएप को व्हाट्सएप के काम करते हो, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं, हम व्हाट्सएप की बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप आपका, इन्होंने ना अभी मैम हीरा ने प्रॉपर इसके ऊपर वो कैटलॉग वगैरह ऐड नहीं की हुई, ठीक है। अगर इन्होंने कैटलॉग वगैरह ऐड की होती ना तो आप देखिएगा कि बिज़नेस व्हाट्सएप का इतना फ़ायदा है ना कि कोई आपके व्हाट्सएप पे आएगा ना, सामने प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं, आपकी डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपके अबाउट से पता चल जाता है कि ये बंदा कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप आपने बिजनेस बनाना है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी अगर आपको लगा कि हाँ जी मैम बिजनेस व्हाट्सएप कैसे बनाते हैं, नहीं तो यूट्यूब से मिल जाएगी। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी कम्युनिटी है ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कसम से, कोई 20% या 10% ऐसे लोग होंगे जो कि थोड़े अनऑथराइज पर्सन है, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे आपने काम करना है, आपका लोगो अच्छा होना चाहिए, बायो आपने अच्छी सेट करनी है, आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे भी, जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस का है ना, फेसबुक का भी बिजनेस होना चाहिए, टिकटॉक का भी बिजनेस, सारे ही बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स ही होने चाहिए आपके, ताकि कोई भी आपको रीच करे, कॉन्टैक्ट करे, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, आपकी डिटेल सामने पड़ी होंगी, आपका नंबर सामने पड़ा होगा या आपका इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा होगा, वो आपसे डायरेक्टली रब्ता कर लेगा। आपने ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना है इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर, अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी आपको रीच आती है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ आप अच्छी अच्छी लगाएं तो बहुत अच्छा आ जाता है। और आप किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे मोस्टली पाकिस्तान में शाम को औरतें जो है वो फ्री होकर हमारे जैसी, ठीक है, जो घरों में होती हैं कुकिंग शुकिंग करके मोबाइल लेके बैठती हैं, तो 6-7 बजे के बाद बड़ी रीच आती है, ठीक है, या सुबह को नाश्ते से पहले लोग मोबाइल उठा के यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैप्शंस और हैशटैग्स आपने बहुत अच्छे से यूज़ करने होते हैं। अब ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अभी यहाँ पे भी है लेकिन मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है जी इंस्टाग्राम, ये देखें, अब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप देख लें, मरियम नूर ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। वैसे मैंने अंदर लिख दिया है कि मेरा जो गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर, ये अबाउट है मेरा, बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर हूँ, ट्रैवलर हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, वर्क हार्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इससे पहले पता क्या होता था, यहाँ पे मैंने लिखा होता था वी डिलीवर ट्रस्ट और इस तरह की चीज़ें, जब मैं आप लोगों की तरह मुझे भी क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते थे, ठीक है, और मैंने थोड़ा ग्रो करना था। लेकिन अब चूंकि मैंने अपनी थोड़ी सी एज अ लीडर प्रोफाइल जनरेट की है तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज की हुई हैं, ठीक है। तकरीबन काफ़ी दिनों से वैसे मैं इनएक्टिव भी हूँ, थोड़ा कम ही पोस्ट किया है, बट ये देख लें ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो कि ओरिजिनल कॉन्टेंट किसे कहते हैं। ओरिजिनल ये देखें, अब ये मेरी पोस्ट है, बहुत पुरानी पोस्ट होगी लेकिन ये देखिए ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। अब इस पर मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से इसकी डिटेल्स लिखी हैं, क्या आप छाइयों से परेशान हैं, क्या आपके चेहरे की स्किन नाहमवार है, क्या आप अपने चेहरे पर पिंपल्स के बने बाद बनने वाले निशानों से परेशान हैं, ये सारा लिख के कुछ इंग्लिश में लिख के फिर मैंने जो डील बनाई उसकी डिटेल भी नीचे उससे रेलिवेंट मैंने कुछ हैशटैग्स लगा दिए। आप देख लें इन हैशटैग्स की वजह से रीच आती है। अब भी ये देखें, ये इस पर क्लिक करके मैं इस पर रीच चेक कर लेती हूँ, वैसे मैंने कभी पहले चेक नहीं की है। इस पे हम इसका वो क्यों नहीं शो कर रहे, अच्छा सॉरी एक मिनट किसी और का चेक कर लेते हैं। अब ये देखेंगे मैंने खुद पोस्ट बनाई थी, खुद ही मैंने इसको अपलोड किया। व्यू इनसाइट्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, या मैं जल्दी जल्दी में देख नहीं पा रही हूँ। टर्न ओवर पोस्ट, रिमूव, हाइड आर्काइव्स, मैनेज ऑप्शंस, एडिट, व्यू इनसाइट्स क्यों नहीं आ रहे इसके, ये देखें सॉरी अब वो ऑप्शन चेंज हो गया ना, ये देखें यहाँ पे आ रहा है व्यू इनसाइट्स, ठीक है। अब इस पोस्ट के इनसाइट्स मतलब इस पोस्ट पे रीच कितनी है, कितने लोगों ने मेरा ये कंटेंट देखा है। इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ आप, माशाल्लाह माशाल्लाह 3889 आप देख लिए, मतलब तकरीबन 4000 लोगों ने मेरे अकाउंट्स को रीच किया है, ठीक है। इंप्रेशंस आए हैं, विजिट प्रोफाइल नए लोग थे जो विजिट करने आए 45 लोग थे, और ये सारी मतलब ये रीच आई है, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर क्या लिख के आ रहा है कि हाँ जी ये देखिए इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक्स, तकरीबन अब तक मेरे जो लोगों ने मुझे रीच किया 5302 अकाउंट्स ने रीच किया है। प्लेस कितने हुए, कितने लोगों ने वीडियो सेव की, कितने लोगों ने शेयर की, कितने लोगों ने कॉमेंट्स किए,
ट्रस्ट मी, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है ना, आप बहुत आगे जाते हो। मैंने ना डेली यहाँ पे काम करना छोड़ दिया। अब ये देखिए हाइलाइट्स वगैरह मेरे बहुत पुराने हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरी प्रोफाइल, मेरी पोस्ट ही लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि आप हमें, या इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं। डेली इतने डीएम्स आए, वैसे मैं खोल ही नहीं है, तो डीएम्स कर रहे होते हैं लोग कि ना हमें प्रोडक्ट्स चाहिए क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए मेरी तकरीबन 372 पोस्ट हैं, फॉलोवर्स इतने नहीं हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक हैं, चूँकि मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा काम कर लिया ना अपनी प्रोफाइल पे, तो लोग प्रोफाइल एक दफ़ा चेक करते हैं, आपका अकाउंट चेक करते हैं, आपसे इंस्पायर होकर आपके पास आ जाते हैं, चाहे वो आपकी टीम में ऐड होना चाहे, चाहे वो कुछ ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, जो मैंने पोस्ट किया हुआ है पुराना। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप लोग भी अपने अच्छे अच्छे अकाउंट्स बनाओगे, एवरीथिंग टेक्स टाइम, मुझे भी बहुत टाइम लगा है। ठीक है, ये मेरी स्टार्टिंग की पोस्ट, आप देखिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की हुई है। अब ये देखें, अब तो टाइम ही नहीं मिलता इतनी अच्छी एडिटिंग करने का, चेक करें ज़रा। ये इस एडिटिंग के लिए ना मैंने, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे 2 घंटे लगे थे, और यकीन करें मैंने टूल भी गलत चूज़ किया था और मैंने ऐप भी गलत चूज़ की थी, और लेकिन उसके बावजूद भी अट्रैक्टिव है। उसके बाद मुझे समझ आई थी कि कैसे एडिटिंग करते हैं। खैर, मतलब एज अ स्टार्टर, अब ये देखिए मैं इस तरह रिव्यूज़ बनाया करती होती थी। ठीक है, ये देखिए, लेकिन अब माशाल्लाह अब इतना चेंज हो गई हैं कि अब ये चीज़ें बहुत वो लगती हैं। अच्छा, खैर, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल बंदा काम कर सकता है। लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल बनाई थी एज अ स्टूडेंट, ठीक है, जॉब वगैरह के सिलसिले में, तो उसमें आप लोग काम कर सकते हो। उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना आपका बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट मी यूट्यूब पे उस पर बेतहाशा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप देखें उस पर अच्छा खासा काम कर सकते हो। वीडियो को मैं एक्चुअली ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी नहीं करना चाहती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्नैपचैट पे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इस पे मेरी मेंबर्स ने वीडियोज़ बनाई हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। टिकटॉक पे बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, लाखों बैठे बैठे आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप 6 महीने टिकटॉक पे काम कर लें। टिकटॉक की प्रोफाइल ओपन करती हूँ मैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, लेकिन कुछ किया है। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, तो अब ये देखिए ये ओरिजिनल। तुम आज जिस जगह हो उस जगह होने का कई लोग ख्वाब देखते हैं, तुम्हारी तरह बनने, तुम्हारी तरह होने का ख्याल सोच। मैं ये नहीं कहता कि बड़े ख्वाब देखना है, और 15 लोगों ने मेरी वीडियो सेव की है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ठीक है, मेरी स्पॉन्सर के साथ, कभी जो तुम सो, इस पे रीच बहुत अच्छी है, 3,300 व्यूज। टिकटॉक आपका अकाउंट अगर अच्छा है ना, कंटेंट आपका अच्छा है ना, ऐसे वायरल करता है ना विदाउट पेमेंट, विदाउट पैसे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो आपको पेमेंट लगा के प्रमोशंस करनी पड़ती है ना, टिकटॉक पे आपको ट्रस्ट मी कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सही टाइमिंग पे पोस्ट करनी है, डेली पोस्ट करनी है, और ओरिजिनल पोस्ट करनी है, और अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज़ करने हैं। इस पे मैम हीरा ने, शायद रीबा ने, बहुत सारे मेंबर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे ना इनके, ये देखिए मैम रीबा का अकाउंट निकले, आप ये देखिएगा कि इतना अच्छा काम करती हैं। देखिए इनकी कुछ वीडियोस 70,000 व्यूज़ आए, इस पे 12,000, इस पे 30,000 व्यूज़ आए हुए हैं। इसी तरह कोई और निकाल लेते हैं, हीरा बुरैन मलिक, ये मेरी स्पॉन्सर हैं। ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी वीडियोस, माशाल्लाह, 1.5 फ्री में बैठे मिल गई। इसी तरह मतलब आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, तो आपको अच्छे खासे व्यूज भी मिलते हैं। हीरा का हीरा का अकाउंट एक्चुअली आज थोड़ा सा वो हुआ भी हुआ है, तो वो नहीं निकल रहा। खैर, आप लोग उसको सर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओरिफ्लेम के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, आपने स्पेसिफिक रहना है। क्यों? कि अगर आप ओरिफ्लेम में काम कर रहे हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल पे बंदा आए उसको पता चले ये स्पेसिफिकली ओरिफ्लेम का बंदा है। मेजरेबल कॉन्टेंट बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेजर करनी होती है चीज़ें, थाट्स आपके मेजरेबल होने चाहिए, आपका कॉन्टेंट मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल, ये चीज़ें हैं, बारी वर्ड्स नहीं होंगे, इनको छोड़ दें। खैर, मैं आम अल्फाज में बताती हूँ, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक हो, रेलिवेंट होना चाहिए, आपने ओरिफ्लेम के साथ कनेक्टेड हैं, ज़रूरी देखिए आप अपनी डेली लाइफ भी शो करवाएं। अब इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, मरियम परवेज़ क्या करती है, ब्रांडिंग कर रही है, साथ साथ अपना ब्रांड खोल ली है, ठीक है, उसके साथ साथ डेली चाय पी रही है, तो मग पकड़ के पिक्चर स्टोरी लगाई हुई है, लोग उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोग उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। वो बाज़ार जाती है, स्टोरी लगा देती है, वो खाने, आज मैक्रोनीज बनाई हैं तो वो स्टोरी लगा देती है, आज वो अपने बच्चों के साथ कोई पार्टी कर रही है, बच्चों के स्कूल गई है, ठीक है, तो वो आराम से स्टोरी लगा रही है। मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर है, आप यकीन करो वो डेली पीआर पैकेजेस के थ्रू इतना अर्न कर रही हैं, अपनी डेली लाइफ दिखा दिखा के कि आपकी सोच है,
इसी तरह लोग YouTube पे भी यही कर रहे हैं, टाइम ओरिएंटेड। अब पता क्या करते हैं हम लोग, दो दिन काम करके ना तीन दिन काम नहीं करते, उसके बाद हम जब पूछते हैं ना यार कैसा जा रहा है, तो कहते हैं मैम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता, फ्लुएंसी के साथ काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ काम करना है। आपकी कंसिस्टेंसी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शो होती है। एक वीडियो आपने लगाई थी एक महीने पहले, उसके बाद आप आज वीडियो लगा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अकाउंट पर रीच आएगी कि यार लोग आपके पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त लाखों लोग हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं। अगर आपने अपनी जगह बनानी है तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको मेयरेबल आपका कंटेंट होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और आपको टाइम ओरिएंटेड रहना चाहिए। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आती है शाम को 6 बजे के बाद और मैं पोस्ट कर रही हूँ सुबह 10 बजे, तो कोई मज़ा नहीं है ना। आप जाके अपने अकाउंट पे चेक करें कि किस वक्त आपके अकाउंट पे रीच आती है, तो उस वक्त पोस्ट करें। टाइम ओरिएंटेड का मतलब ये भी है, मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ दैट यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक ड्रेस खरीदा है, मैं सिंपली लिख दूँ आई बॉट अ ड्रेस फॉर मी, लोग देखेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जब मैं लिखूँगी ना आई हैव कलेक्टेड मनी, मैं लिखूँगी यार इस ड्रेस के लिए मैंने पूरा एक महीना लगा के अपनी पॉकेट मनी से मैंने कुछ सेविंग कर करके ये ड्रेस लिया है। पहले ही दिन मैंने जब ये ड्रेस देखा था, मैंने किसी एक्ट्रेस पे पहना हुआ देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा था, बस मैंने उसी दिन ठान लिया था यार इस महीने की जो मेरी अर्निंग आएगी ना उससे मैं सेव करके ना थोड़ी सी सेविंग करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके मैं ये ड्रेस लूँगी, और आज मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी मतलब नीचे लिख के वो करें, यकीन करें आपकी दोस्तें भी कहेंगी नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ गुड ग्रेट, और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे या इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रही हैं तो जो फॉलोअर्स होंगे वो आपको करें। इसी तरह मैंने एक रोज़ की पिक्चर ली और मैंने अपलोड कर दी, मैंने कोई कैप्शन नहीं ली, यार वो देखेंगे लोग और वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उस पर अच्छी सी कैप्शन लिख दी या मैंने कोई शायरी लिख दी, वो आप यकीन करें उस पर रीच भी आएगी, और मैंने नीचे 2-4 उससे रेलिवेंट हैशटैग्स भी लिख दिए। हैशटैग्स ना मैं एक गलती करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ करती हूँ, रेलिवेंट हैशटैग्स यूज़ करने और 10-12 हैशटैग्स या 5 या 7 इससे ज़्यादा ना किया करें। वैसे अगर ओरिजिनलिटी की बात करें लोग कहते हैं 3 या 4 हैशटैग्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एज अ बिगिनर एज अ स्टार्टर अगर आप ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ कर भी लेते हो लेकिन रेलिवेंट करते हो 15-20 तो कोई मसला नहीं, कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन रेलिवेंट करना है। तो मतलब जैसे आपने फूल के ऊपर शायरी लिख दी, ठीक है चांद है तो चांद की पिक्चर ली और नीचे शायरी कर दी, यकीन करें लोग आपका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे लगा रहे होंगे, ट्रस्ट मी। तो जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो उसके साथ कोई स्टोरी, कोई अच्छी आप कैप्शन या अच्छे हैशटैग्स यूज़ करते हो ना, तो उसी को कहते हैं सही मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग इज़ नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ जो चीज़ आप पोस्ट कर रहे हो, बल्कि जब आप उसके बारे में बात करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करते हो, उसको कहते हैं मार्केटिंग। लास्ट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली आप लोगों को पता चल गया हो कि सोशल मीडिया पे आपको क्यों काम करना चाहिए, मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। देखिए आप ओरिफ्लेम के साथ काम करिए या वैसे, आप यकीन करें मेरे पास इस वक्त इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरा दूसरे मोबाइल में है माशाल्लाह माशाल्लाह 4-5 हज़ार मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे ही सिंपल। ठीक है, वैसे अगर देखूं तो 5-6 हज़ार है। आज अगर मैं बैठ के सिंपली कोई और भी पोस्ट लगा देती हूँ ना ओरिफ्लेम के अलावा, मैं कोई ब्रांड ओपन कर लेती हूँ, ये सिर्फ ओरिफ्लेम की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो वो लोग मुझसे वो भी बाय करने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अब एक ऑडियंस जनरेट कर ली है, मैंने सोशल मीडिया पर काम करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, मैंने एक ऑडियंस जनरेट करके उन लोगों के साथ अपनी एक कनेक्शन बिल्ड कर ली है। वो लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे ये क्या कर रही हैं आप, यकीन करें वो वहाँ पे भी मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप देखिए व्हाट्सएप पे आप काम करना शुरू करते हैं 10-12 कॉन्टैक्ट्स होंगे, कितनी दिन आप उनको कॉन्टेंट दिखाएंगे अपना? एक दिन आएगा आप खुद आके कहेंगे मैम मेरे तो अब लोगों ने मुझे म्यूट करना शुरू कर दिया। एवरी डे ऑन डेली बेसिस आपने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर काम करके लोगों को एक तो अपने फॉलोवर्स इंक्रीज़ करने, अच्छा कंटेंट लगा के आपने डेली 3-4 लोगों को व्हाट्सएप तक लेके आना है, वो तभी पॉसिबल होगा। आप अपना कोई भी कंटेंट पोस्ट करें ओरिजिनल होगा और साथ में अपना व्हाट्सएप मेंशन करते हैं, लोग डायरेक्टली आपसे रब्ता कर लेंगे। यार ये मत सोचा करें कि लड़के कॉन्टैक्ट कर लेंगे, लड़के तंग करते हैं, सबको करते हैं। आई एम वर्किंग एज अ गोल्ड डायरेक्टर, मुझे भी लोग डेली कोई ना कोई कॉल आ रही होती है, रॉन्ग नंबर से मैसेज आ रहा होता है, क्योंकि देखें आपको पता है हर बंदा यहाँ पे मतलब एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश नहीं होते आपको देख के, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी तक फेक चैट्स रॉन्ग कॉल्स करने पे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है लेकिन उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं वो जानते। तो ऐसे लोगों को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक आपको प्रॉपर प्राइवेसी देता है, आप उनको फ़ौरन ब्लॉक कर दो। कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है मेरे पास आओ, अपने स्पॉन्सर के पास जाओ, वो आपको गाइड करेगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई आपकी लाइफ को कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना करें। इसी तरह जैसे कहते हैं आज की वीडियो के बाद ना आप लोगों को लग रही है यार ये कितना मुश्किल है, यार मैम ने पता नहीं क्या क्या बता दिया है, कैसे करूँगी, ट्रस्ट मी ये देख लें
कॉल आ गई, एक मिनट उसको बंद करते हैं। अच्छा, मैं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट में ये कह रही थी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार इतना कुछ मैम ने बता दिया, अब कैसे इस चीज़ पे प्रॉपरली स्टिक होके काम करें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल गाइज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। स्टार्ट लें, जैसे मैंने कहा, डेली एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। डेली, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन एक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के काम करें। आप यकीन करें, इंशाल्लाह एक दिन आपका, एक दफ़ा अगर प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर गए ना, आप फिर डेली अगर नहीं भी काम करते हो ना, डेली मतलब एक दो घंटा काम कर लेते हो, अभी आपको 3-4 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा सेटलमेंट हो जाते हो ना, आप कंटिन्यूटी के साथ डेली 1 घंटा भी लगाओगे ना, आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, कहते नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड इट्सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, वरना दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम यही सोचते रह जाएंगे यार पढ़ लिख के जॉब करेंगे, हमारी कोई 70,000-80,000 की नौकरी लगेगी, PPSC किसके हैं, फिर हम कुछ करेंगे। नहीं, आप उससे पहले भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया, जैसे मैम हीरा ने की, जैसे मैम फिज़ा ने की, जैसे बहुत सारी हमारी मैनेजर्स कर रही हैं, डायरेक्टर्स कर रही हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी कर सकते हो। होपफुली आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब फर्दर अगर आपको, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको हर प्लेटफॉर्म पे लाइक टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को सेटलमेंट करने के लिए एक एक वीडियो चाहिए, मतलब अगर आप यूट्यूब से, मतलब आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा इरेलीवेंट हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बना लें, ताकि हम लोग वो वीडियो देख के अपने प्लेटफॉर्म्स को सेट कर सके, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, कुछ भी हो। चलिए ठीक है, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर आपने कुछ नया सीखा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।